देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त मैं हूं पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए ई रिक्शा में कहां सफर करते दिखे रणबीर और आलिया। टाइगर 3 की शूटिंग कब से होने वाली है शुरू। कंगना ने फिर ऋतिक का कैसे उड़ाया मजाक। राखी सावंत की मदद करने के लिए कौन आया आगे और 21 साल बाद किस फिल्म में अजय देवगन और संजय लीला बंसारी साथ करेंगे काम। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। फैंस इन दोनों की जोड़ी को न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर देखना बल्कि ऑफ स्क्रीन भी एक साथ देखना काफी पसंद करते हैं। रणबीर और आलिया फिल्म ब्रह्मास्त्र में पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी दोनों की इस फिल्म को रिलीज होने में वक्त है, लेकिन इससे पहले दोनों एक एड में नजर आएंगे। शूटिंग के सेट से आलिया और रणबीर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस लव कपल की फोटो ई रिक्शा में बैठे हुए सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। बिग बॉस 14 खत्म होने के बाद सलमान खान एक बार फिर अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गए हैं और सलमान खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर भी है। दरअसल 8 मार्च से सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग की शुरुआत करने वाले हैं। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग करते नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग 8 मार्च से मुंबई में शुरू होगी। फिल्म टाइगर 3 के सभी कलाकारों ने यशराज स्टूडियोज में आयोजित पूजा में हिस्सा लिया। ये पूजा हर फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले की जाती है। इस फिल्म का निर्देशन मनीष वर्मा कर रहे हैं और उनकी पहली इतनी बड़ी फिल्म होगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पिछले कई सालों से कंगना लगातार दावा कर रही हैं कि वो ऋतिक के साथ रिलेशन में थी। वहीं कुछ ऐसे मेल भी दिखाए गए जहां पर दोनों के बीच बातचीत है। ये अलग बात है कि ऋतिक ने उन मेल्स को झूठा बताया और दावा किया कि किसी ने फेक IG बनाकर कंगना से बात की थी। अब इसी मामले में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सामने एक्टर अपना बयान दर्ज कराएंगे, लेकिन हमेशा की तरह कंगना ने फिर ऋतिक को अपना एक्स बता दिया है। और इतना ही नहीं, कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन मेरा सिली एक्स यहीं उसी मोड़ पर है जहां ये वक्त लौटकर नहीं जाने वाला। खैर, कंगना कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं किसी का मजाक बनाने में। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 में दर्शकों का मनोरंजन करने वाली राखी सावंत इन दिनों अपनी मां की देखभाल कर रही हैं और उनकी मां इस वक्त कैंसर से जूझ रही हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मुश्किल घड़ी में सलमान खान और उनके भाई सोहेल खान राखी की मदद कर रहे हैं। राखी सावंत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें सोहेल खान राखी को हिम्मत देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने राखी को स्ट्रांग बताते हुए उनकी मां के जल्द ठीक होने की दुआ की है। बता दें कि राखी ने भी वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अस्पताल में अपनी मां के साथ थी। उन्होंने बताया कि अब उनकी मां की सेहत पहले से बेहतर है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर 24 फरवरी को रिलीज हुआ। टीजर में आलिया के रोल की काफी तारीफ की जा रही है, लेकिन अब खबर है कि फिल्म में अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्म में अजय देवगन का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। अजय देवगन के रोल के बिना गंगूबाई की जर्नी पूरी नहीं हो सकती। अजय और आलिया के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को भी मिलेगी। खास बात यह है कि इस फिल्म में अजय देवगन और संजय लीला बंसाली किस साल बाद एक साथ काम करेंगे। इससे पहले 1999 में दोनों ने हम दिल दे चुके सनम में एक साथ काम किया था। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।